हाय दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे रहे। आज मैं आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है। और इसका नाम है स्टेमिटल MD, आप सभी लोग देख सकते हो, ठीक है। और इसका जो कंपनी नेम है वो एबॉट कंपनी है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो एबॉट कंपनी। और इसका जो MG है ये 5 MG है, ठीक है। ये 15 टेबलेट्स आता है, ठीक है। और इसका जो प्राइस है 172.70, ठीक है। इसका पहले MRP कम था, अभी ज़्यादा हो गया, ठीक है। फिर भी इस टेबलेट का रिजल्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। और इस मेडिसिन को आप लोग कोई भी मेडिकल शॉप या रिटेल दुकान या ऑनलाइन पर भी आप लोग खरीद सकते हो, ठीक है। और आप लोग जब भी लोगे और डॉक्टर के सलाह के बाद ही लोगे या कोई दुकान पर फार्मासिस्ट रहता है उससे पूछ कर लेना है, ठीक है। आप लोग यूट्यूब से देख कर कोई भी मेडिसिन ऐसे ही खरीद कर नहीं लेना है, ठीक है। पहले आप लोगों को उस मेडिसिन के बारे में सही तरह से जान लेना है, ठीक है। और आप लोग इसको जो भी लोगे, आप लोगों का जो माथा है वो आप लोगों को चक्कर दे देता है, मतलब आप लोग कोई जगह पर हट कर जा रही हो ऐसे ही चक्कर दे रहा है, ठीक है। वो एक बार दो बार तीन बार ऐसा दे रहा है तो आप सभी लोग इसको खा सकते हो, ठीक है। और किसी का क्या होता है, वो रेगुलर होता है, ठीक है। वो रेगुलर आप लोगों को चक्कर आता है, ठीक है, तब भी आप सभी लोग इस टेबलेट को खा सकते हो, ठीक है। और किसी का क्या होता है, मतलब घेस के प्रॉब्लम में माथा को चक्कर आता है, ठीक है, तब भी आप सभी लोग इस टेबलेट को भी खा सकते हो, ठीक है। लेकिन आप लोगों को घेस के भी लिए भी औषध खाना है, मतलब मेडिसिन खाना है, ठीक है। एक घेस की दवाई और एक ये भी खा सकते हो, ठीक है। और किसी का क्या होता है, कुछ मतलब शरीर में दुर्बल होने के बाद ऐसे ही चक्कर आता है, ठीक है। आप लोग दुर्बल हो, कोई भारी चीज़ उठा रही हो या कोई काम कर रही हो भारी काम, तो अब क्या होता है, हमारे शरीर में माथा जो होता है ना पूरा चक्कर आ जाता है, ठीक है। फिर आप लोग भी इस टेबलेट को खा सकते हो, ठीक है। और किसी का मतलब प्रेशर की समस्या है, मतलब आप लोगों को प्रेशर हाई है भैया लो है, जो भी प्रॉब्लम है, आप लोग प्रेशर की दवाई खा रही हो, ठीक है। फिर आप लोग प्रेशर के दवाई मिस हो रही है, मिस होने के बाद क्या होता है, आप लोगों को माथा में चक्कर आता है, ठीक है, बड़ा चक्कर आता है, ठीक है। तो अब आप लोग इस टेबलेट को नहीं लेना है, ठीक है। वो आप लोग डॉक्टर के सलाह के बाद जरूर लेना है, ठीक है। आप लोगों को प्रेशर के जो टेबलेट नहीं खाते हो ना, तो ऐसे ही माथा चक्कर मारता है, ठीक है, माथा घुराता है। इसलिए जब भी लोगे तो आप लोग डॉक्टर के सलाह के बाद ही लेना चाहिए, ठीक है। वो प्रेशर के औषध कारण आप लोग इस टेबलेट को खा देते हो लेकिन नहीं कमेगा ना, वो आप लोग ऐसे ही ऊपर चले जाओगे, ठीक है। इसलिए प्रेशर के अलग है और इसमें भी अलग है, ठीक है। और बहुत लोग हैं इसको बमी में भी देता है, ठीक है। जिसका जिसका उल्टी होता है ना, वो इस टेबलेट को खाता है, खा सकते हैं, ठीक है। और उल्टे होने के बाद क्या होता है, आप लोगों को माथा में चक्कर आने लगता है, ठीक है। फिर भी इस टेबलेट को खा सकते हो, ठीक है। इस टेबलेट को 15 ईयर्स के बाद ही देना है, ठीक है, किसी भी लड़की या लड़का दोनों के लिए, ठीक है। और ज़्यादा करके इस लोगों को मतलब चक्कर आता है, ठीक है। और ज़्यादा करके आप लोग महिला लोगों को, जो महिला लोग हैं उसको, ठीक है। और किसी का ऐसे ही मतलब घूम कम होता है, घूम कम होने के बाद क्या होता है, पूरा माथा जो होता है ना पूरा घुराता है, ठीक है। कोई भी काम ठीक तरह से आप लोग कर नहीं सकते, तो भी आप लोग इस टेबलेट को खा सकते हो, ठीक है। वो भी प्रेगनेंट वुमेन है या बच्चे को दूध पिला रहे और डॉक्टर के सलाह के बाद ही लेना सही है, ठीक है। आप लोग ऐसे यूट्यूब में देख कर ले लेंगे ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा लेता नहीं है, ठीक है। आप लोग जरूर एक बार डॉक्टर के सलाह के बाद लेना है, ठीक है। कारण प्रेगनेंट तो है तो उसके बाद बेबी भी होता है, ठीक है। और प्रेगनेंट जो होता है ना उसको ऐसे ही चक्कर आता है, ठीक है। फिर भी आप लोग डॉक्टर के सलाह के बाद लेना सही है, ठीक है। और आप लोग इसका साइड इफेक्ट भी है, जैसे आप लोगों को स्किन में एलर्जी हो सकता है या बोमी हो सकता है या पेट दर्द हो सकता है, ऐसा होता नहीं है, शायद जरूर हो गया तो आप लोग इस टेबलेट को साथ ही साथ बंद कर देना है, ठीक है। फिर आप लोग डॉक्टर के सलाह के बाद खाना है, ठीक है। आशा करता हूँ इस वीडियो में आप लोग इस टेबलेट के बारे में सब कुछ समझ गए, ठीक है।